पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रात से शुरू हुआ धरना अब भी जारी है। रात से ही ममता के साथ उनके कई मंत्री और नेता भी धरने पर बैठे हैं। साथ ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार और कुछ पुलिस अधिकारी भी धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार पर राज्य पुलिस को दबाने का आरोप लगाया और कहा है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। पश्चिम बंगाल सरकार आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। वहीं सीबीआई ने भी राज्य सरकार पर अवमानना का आरोप लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। तो रात भर ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, ये पूरा ड्रामा चलता रहा। धरने पर बैठ गई है ममता बनर्जी अपने कुछ अधिकारी के साथ। और सीधे इस वक्त क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, सीधे रुक कर लेते हैं कोलकाता से। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, रात भर का ये ड्रामा, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या हो रहा है फिलहाल वहां? शीरीन, आपको बता दें, इसे बिल्कुल मिडनाइट ड्रामा कह सकते हैं। रात को 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहां पर पहुंचती है धर्मतल्ला में। आपको जगह दिखा देते हैं जहां पर वो धरने पर बैठी हैं। साथ में कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है वो सारे यहां पे धरना पर बैठे हैं। करीब करीब 1:30 बजे जो है यहाँ पर ये बना है मंच, और इस मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सब यहाँ पर बैठे हैं। और एक बात तो साफ पहले ही कर दी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि यह अनिश्चितकालीन धरना होगा, रात भर यहां पे बैठी रही है और फिलहाल वो सो रही है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो ये अनिश्चितकालीन बंद को चलाती रहेंगे और सीबीआई के अगेंस्ट जो है वो अपनी लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच जो बड़ी खबर है कि कल रात से ही जितने भी महागठबंधन के ऑपोजिशन लीडर्स है वो फोन कर रहे थे ममता बनर्जी को, बार बार अपना सपोर्ट दे रहे थे, चाहे कांग्रेस हो, जेडीएस हो, टीडीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सारे नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन करके अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है, उसके अलावा सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो है आज कुछ महागठबंधन के नेता जो है वो यहाँ पर इस धरना मंच पर दिख सकते हैं। हालांकि औपचारिक रूप से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता है तृणमूल कांग्रेस की ओर से किसी का भी नाम सामने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महागठबंधन के जितने बड़े नेता है शायद आज इसी मंच में ममता बनर्जी के साथ धरने पर दिखे। यानी कि ये जो घटनाक्रम है, ये जो सियासी ड्रामा है, ये और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है, पूजा इसे कह सकते हैं मोदी वर्सेस ममता, अब मोदी वर्सेस महागठबंधन इस मंच पर आज दिखाई दे सकता है अगर पहुंचते हैं नेता तो। जी बिल्कुल शीरीन, ये अगर हम 19 जनवरी की महागठबंधन की रैली की बात करें, वहां से लेकर अब तक ये मंच जो है सिर्फ धरने के लिए ही नहीं लेकिन ये महागठबंधन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा आज से। लेकिन इसके आपास ही आज जो बड़ी खबर होगी वो आएगी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि 10:30 बजे जहां एक तरफ सीबीआई ने अपनी पिटिशन की है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट मूव की है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो बंगाल गवर्नमेंट को करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। दो दलीलें सामने रखी जाएगी क्योंकि एक अहम मुद्दा यह है कि इस जो 160 सीआरपीसी के तहत जो नोटिस भेजी गई थी कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को, उस पर्टिकुलर केस में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, 13 फरवरी तक नो कोएर्सिव एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर बोला था। इसको इग्नोर करते हुए भी सीबीआई ने उनके घर पर रेड की। दूसरा मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई को जनरल कंसेंट देने से इनकार कर दिया था और जनरल कंसेंट विड्रॉ किया था। तो ये जो है वो ब्रीच ऑफ जनरल कंसेंट है और ये स्टेट के प्रिविलेज पर ब्रीच है। तो ये जो दो मुद्दे हैं वो आज सामने रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कोर्ट का भी आज बहुत महत्वपूर्ण एक रोल यहां पर हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने कल ही कह दिया था कि अब वो इस मामले में कोर्ट यानी कानूनी उस पर मसले पर विचार कर रहे हैं, और ममता भी कह रही हैं कि वो अब इस मामले को लेकर कोर्ट पर जाएंगी। और सीधे उन्होंने कल ये कहा था कि मोदी सरकार उनको डराने की, उन्हें परेशान करने की मंशा पाले हुए हैं और उसी के तहत सीबीआई अफसर्स को भेजा गया है और यहां पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि आज ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है खास। The cat sat on the mat.
जी बिल्कुल शिरीन, क्योंकि सीबीआई बार बार अपने तरफ से ये कहती रही है कि उन्हें कोई भी सर्च वारंट की जरूरत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वो चाहे तो वो किसी के भी घर वो रेड कर सकती है और किसी को भी क्वेश्चन कर सकती है। और जहां तक पेपर वर्क की बात जो कोलकाता पुलिस कह रही थी, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर वर्क थे, उसके बावजूद जो है वो इल्जाम लगा रहे थे कोलकाता पुलिस पर कि उनको अपना काम करने से रोका गया। वही दूसरी ओर कोलकाता पुलिस की ओर से ये कहा गया कि उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क नहीं था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जब वो 40 अफसरों को शेक्सपियर सरनी थाना में लेकर गए थे, कोलकाता पुलिस उन्हें डिटेन किया था, तब उनके सामने वो हाईकोर्ट का ऑर्डर रखा गया था, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हाईकोर्ट का ऑर्डर का ये प्योर वायलेशन है जिस पर सीबीआई ने अब तक चुप्पी साधी है, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर इस बात पर और डिस्कशन होगा। ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि कोई सबसे बड़े जांच एजेंसी जांच के लिए पहुंचती है पूजा, और वहां पर उन्हें रोक लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, और फिर एमएचए को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, फोन करके बातचीत करनी पड़ती है कि भाई अफसर्स को आपने क्यों वहां पर अफसरों को रोका हुआ है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी थी वहां पर, और फिर पश्चिम बंगाल का बजट भी सदन में पेश होना है, तो ये सारी चीजें भी इन सब चीजों को लेकर काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि कल ही खबर आ रही थी कि जहां धरने पर बैठी है ममता बनर्जी वही कैबिनेट की मीटिंग भी करेंगी। देखिए आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चार प्रोग्राम्स मैं आपको विस्तार से बता दूं। सबसे पहले तो 11 बजे एक किसान की सभा को संबोधित करने वाली थी, क्योंकि ये बजट से पहले की एक सभा थी, चुनाव से पहले की सभा थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पश्चिम बंगाल में जितने भी किसान हैं उनके लिए शायद पश्चिम बंगाल की सरकार कोई अनाउंसमेंट कर दे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो चुनाव से पहले, तो वो यहीं से इसी धरने के मंच से वो मोबाइल के द्वारा वो संबोधित करेगी किसानों को। उसके बाद जो कैबिनेट बैठक होने वाली है वो भी कैबिनेट बैठक इसी धरने मंच पर होगी, वो स्टेट असेंबली नहीं जाएगी, और जहां तक बजट पेश होने की बात है वो भी यहां पर फोन के माध्यम से बजट पेश होना है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद करेंगी। उसके बाद शाम 5 बजे कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस का पुलिस मेडल देने का अवार्ड सेरेमनी है, वो भी प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो चारों प्रोग्राम में या जो भी इवेंट्स है वो नहीं अटेंड करेगी, और जो भी काम होना है वो इसी धरने मंच से होना है। श्री कल जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई थी पूजा, तो उन्होंने पहले तो अपना गुस्सा जाहिर किया था, वो अपनी बात 20 मिनट के अंदर फटाफट बोलकर निकल गई। उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था, महागठबंधन के नेताओं से एक अपील की थी कि आप लोग भी आइए और इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, और आप भी बता रही थी कि कई नेताओं से संपर्क भी किया गया है, तो आज कौन कौन महागठबंधन के नेता है जो आ सकते हैं यहाँ पर? देखिए अभी तक तो किसी भी नेता ने पुष्टि नहीं की है जो यहाँ पर पहुंचेंगे आज इस धरने मंच पर, जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि कल रात से ही वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने बात की है, तेजस्वी यादव ने बात की है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बात की है, एच डी देवेगौड़ा ने बात की है, तो जितने भी महागठबंधन के नेता है उन्होंने सब ने जो है ममता बनर्जी तक संपर्क साधा है।